বিশেষ ঘোষণা আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী দীঘা থানা আজকাল পরশু অর্থাৎ 17-18-19 তারিখ এই তিন দিনের মধ্যে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমপান। আমপান নামক ঘূর্ণিঝড় প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে তার এলাকাবাসীর কাছে। বিনম্র আবেদন, আপনারা এই তিন দিন সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যাতায়াত কিংবা ঘোরাঘুরি করবেন না। আমপান নামক ঘূর্ণিঝড় দেওয়া আছে, এর প্রভাবে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। তাই মোর মধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল বেগে দেয়া আসছে ঘূর্ণিঝড় আমপান। তাই সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাবাসীর কাছে বিনম্র আবেদন, আপনারা আজকাল পরশু অর্থাৎ 17-18-19 তারিখ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ঘোরাফেরা কিংবা যাতায়াত করবেন না। এবং মৎস্যজীবী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, আপনারা আজকাল পরশু সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন না, প্রবল বেগে ধরে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমপান। তাই আপনাদের বলা হচ্ছে, আপনারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। ধন্যবাদ। লকডাউনের ফলে পর্যটক শূন্য দীঘা, এতে আমরা অনেকটাই শান্তিতে আছি। প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, লোকালদেরও সমস্ত সতর্কতা বাণী করে দেওয়া হয়েছে। হোটেল কর্মীরা কত পার্সেন্ট আছে এখন? হোটেল কর্মীরা 25% আছে। ওদের কি কোনো না, ওদেরকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং ওরা হোটেলের ভিতরেই আছে। सर आप लोग टीम, तो आप लोग दीघा में आए हो, किस लिए इसे बताइए? सबसे पहले तो मैं अपने NDRF परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को और साथ में पूरे वेस्ट बंगाल के वासियों को और दीघा वासियों को जय हिंद बोलना चाहता हूं। और इसके साथ में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि फिर से एक आम्फन नामक साइक्लोन
इस एरिया में आने वाला है, जिसकी तीव्रता पिछले बुलबुल के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और जिसका एक स्पीड माना जा रहा है कि लगभग 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दीघा में यह बुधवार को तकरीबन आफ्टरनून या शाम के समय में हिट करेगा, और जैसा कि स्पीड आप देख रहे हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में क्षति होने की अंदेशा है। इसलिए मैं हम NDRF की टीम जो द्वितीय वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से कलकत्ता से आई हुई है, वो फुली इक्विप्ड और वेल ट्रेंड पर्सनल के साथ यहाँ आई हुई है, और हम यहाँ के सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे और आपके मदद को हमेशा तैयार रहेंगे। कितना आदमी आए आप लोग? हमारी पूरी एक टीम आई हुई है। कितना दिन आप लोग यहाँ से रुकेंगे? हम मेन साइक्लोन के लिए आए हुए हैं। साइक्लोन में जो भी जिस तरह की परिस्थिति आएगी उसमें हमें जैसा टास्क दिया जाएगा और हमें जो भी सहायता बन पाएगी उस हिसाब से हम उनकी मदद लोगों की मदद करेंगे। सर आपका नाम बताएं। मैं अभिषेक कुमार गौर, असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम TBN NDRF कोलकाता। सर जी, आज से काम हो रहा था आपका अम्फन के लिए, इसके लिए क्या क्या काम है, किस लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए बताइए। सबसे पहले तो मैं NDRF परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को और कोलकाता के और दीघा वासियों को जय हिंद। और जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि यहाँ पर अम्फन एक साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन है, जिसकी उत्पत्ति अभी बंगाल की खाड़ी में हुई है, और जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी जो आज की स्थिति थी तो लगभग 1100 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में अभी इसका मूवमेंट है और 1100 किलोमीटर दूर दीघा से है, और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बुधवार को लगभग आफ्टरनून या इवनिंग में यहाँ पहुँच सकता है। लेकिन सबसे मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले बार जो बुलबुल नवंबर के समय आया था उससे इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड लगभग 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार मानी जा रही है प्रति घंटे के हिसाब से। तो हमारे लिए और साथ में यहाँ के प्रशासन और साथ में यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि NDRF द्वितीय वाहिनी की एक टीम अभिषेक कुमार गौरव मेरे नेतृत्व में एक वेल इक्विप्ड होकर पूरे साजो सम्मान के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी है, और हम यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जनता को पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे और मुसीबत का मिलकर डटकर सामना करेंगे। पब्लिक के लिए काम कैसे है तर, इसके लिए की सोल्यूशन है बा, इसके लिए काम कैसे झड़ने आए के लिए जी काम किया होता है? तो सबसे पहले तो साइक्लोन में अगर देखा जाए तो काफ़ी तूफान बड़े स्तर पर आता है और काफ़ी जान माल की क्षति होती है, तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो जब साइक्लोन का ऐसा प्रकोप आए तो अपने घर में रहें और सुरक्षित जगह जहां सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं वहां पर चले जाएं। इसके अलावा उसके बाद जो भी क्षति होगी तो हमारे पास वेल इक्विप्ड पर्सनल हैं और साथ में हमारे पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हैं जिससे हम अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सकेगी लोगों की परेशानियों को दूर करके, जैसे उनके पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं और अगल बगल कुछ भी दिक्कत होती है तो उनको किसी तरह अपने अच्छे इक्विपमेंट से काट करके हटा करके जल्दी से जल्दी उनके परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो भी एक संवेदना होगी वो भी हम उनके साथ रहेंगे। मतलब हम हर मुसीबत में उनके साथ मिल करके उनके दुखों को बांट करके उनका सहयोग देना चाहते हैं, इसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपका डेजिग्नेशन मुझे बता। मैं अभिषेक कुमार गौरव, असिस्टेंट कमांडेंट द्वितीय वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कोलकाता से। काम कल सुबह से सीबीज में चालू हो जाएगा? जी जी, अभी तो बात हुई है, वीडियो साहब आए हुए भी थे, तो हम तो पूरी तैयारी में हैं, जैसा होगा कल से काम शुरू हो जाएगा। कितना आदमी आया था आप लोग इस काम के लिए? हम लोग की पूरी एक टीम आई हुई है NDRF की। और क्या आएगा ना, ये टीम ही काम करेगा? नहीं, हमारी बैकअप में भी टीम रखी है। इलाका में करेगा दीघा वो किस हम पूरे ये दीघा रामनगर 1-2 ब्लॉक जितना भी जहाँ भी हमें निर्देश दिया जाएगा, हम पहले भी बोले कि हमारे फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पूरा कंट्री, और साथ में अभी वर्तमान में हमारे डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, इसके अलावा कई डिप्लॉयमेंट भी कई जगह पर हमारी टीमें तैनात हो चुकी हैं, उड़ीसा में भी और बंगाल में भी, और बैकअप में भी हमारी काफ़ी टीम रखी हुई है, तो जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वैसी हमारी टीम की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी।